Assalamu alaikum, main hu Raja Sarwar Sohaib and welcome to another video of Corona Updates jahan pe hum aapse discuss kar rahe hain corona virus ke bare mein aur isse related jitni bhi information hai wo aapke sath share kar rahe hain on daily basis. So you know what to do, stay subscribed to City 2 TV on our Facebook page, on our Instagram and our YouTube channel. आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के बारे में जो कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के अंदर आ सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन जैसी जो मूवमेंट्स है वो चल रही हैं, जिसके बहुत सारे मनफी असरात हो रहे हैं लोगों की मेंटल हेल्थ पे. तो इससे मुतल्लिक हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रोफेशनल के साथ कि किस तरीके से लोग डील कर सकते हैं और अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं. इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट ताहिरा मलिक साहिबा. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर. सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी पाकिस्तानियों के लिए आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वायरस अभी उस तरीके से स्प्रेड नहीं हुई है. लेकिन जैसे ही होना शुरू होगी तो लोगों को अपने आप को आइसोलेट भी करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी. इनफैक्ट अभी से कर लेनी चाहिए उन्हें. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन से वो मेजर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे जो कि लोग फेस कर सकते हैं और कैसे उनके साथ वो डील कर सकते हैं इस तमाम सूरत हाल के अंदर. इनफैक्ट सरोज, जो इफेक्ट्स हैं वो तो शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहले एक तो पहली बात है कि अनप्रेसिडेंटेड है, कभी पहले कभी हम में से किसी ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की. तो जो सबसे पहली फीलिंग जो आ रही है लोगों में वो है एक एंग्जाइटी, एक फियर ऑफ अननोन, क्योंकि हमें एंड नहीं पता कि इसका एंड क्या है. तो जो हम अपने पेशेंट्स में देख रहे हैं या दुनिया में, सबसे पहले एंग्जाइटी है, उसके साथ साथ जो पैनिक है, जो एक घबराहट है कि अब क्या होगा, जिसकी वजह से जो सबसे पहला अफेक्ट है वो स्लीप डिस्टर्बेंस है और मूड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें लोग सो नहीं पा रहे रात को, जिसमें लोगों को गुस्सा आ रहा है, मिजाज ठीक नहीं है लोगों के. इसके अलावा एक जनरली एक एंगर, जिन लोगों के अपने प्यारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं या अफेक्टेड इलाकों में रह रहे हैं उनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि देयर इज एन एंगर टुवर्ड्स फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इन कंट्रोल, वो बहुत ज़्यादा है. ऑब्सेसिव थॉट्स, जो लोग पहले से ओसीडी का शिकार थे थोड़ा बहुत, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, तो चूंकि हम टीवी में भी देख रहे हैं बार बार हाथ धोने पे बार बार एक चीज़ को कहा जा रहा है, तो हमारे एक पेशेंट हैं बल्कि जो कि ओसीडी के शिकार थे, तो उनमें वो बढ़ गया है. तो जो लोग भी ज़रा भी ऑब्सेसिव थॉट्स के पहले आती थी उनको, उनमें ये मामला अब डबल हो गया है. हाँ, उनके लिए वो बहुत तकलीफदेह है. सैडनेस, बहुत सारे इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, लोगों की शादियाँ, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस कैंसिल हो रही हैं, उसकी वजह से एक सैडनेस है, जनरल फीलिंग ऑफ सैडनेस, जो कि बहुत जल्दी डिप्रेशन में बदल सकती है. ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है. ऑलराइट, सो ऑब्वियसली क्योंकि अब लोगों के ऊपर जब ये इम्पैक्ट होना शुरू होगा, जिस तरह आपने मेंशन किया, एंजाइटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा और इस तरह के और जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो लोगों के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, कैसे वो इसके साथ अपने आप को रिलीफ दिलवा सकते हैं? क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि जब वो अकेले होंगे, बहुत सारे लोग इंडिविजुअली रह रहे होंगे सेल्फ आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के पीरियड पे, तो वो किन चीज़ों से अपना ध्यान बटा सकते हैं और अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगी हमारे जो भी सुन रहे हैं कि फीलिंग्स जो है ना, वो फीलिंग से घबराएं नहीं, क्योंकि अब ये जो एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, जितने भी फीलिंग मैंने बताई, डर है, खौफ है, परेशानी है, दे आर जस्ट फीलिंग्स, इनको आने दें. तो जितना हम इनसे लड़ेंगे उतनी हमारी घबराहट ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस ऑफ द फीलिंग कि ठीक है, एक पूरी दुनिया के साथ ये बाजरा हो गया है, पूरी दुनिया के साथ ये मसला है और ये इसलिए मैं भी वन ऑफ दोज पीपल हूँ और मुझे परेशानी हो रही है. फीलिंग्स आर बेसिकली सरोज, दे आर जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड. सो लेट दैट इन्फॉर्मेशन कम, लेट योर सेल्फ फील एंग्जाइटी एंड फियर एंड पैनिक. और स्पेशली ये बात मैं जो घर के बड़े हैं मैं देख रही हूँ फैमिलीज़ में, जो मर्द हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो बिल्कुल एक घबराने नहीं दे रहे फैमिली वालों को और ख़ुद भी नहीं शो कर रहे. तो हमारा उनको ये मशवरा होता है कि आप एक्सेप्ट करें बच्चों के आगे, लोगों के आगे, फैमिली के, हाँ मैं भी डरा हुआ हूँ, ताकि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स भी प्रॉपर्ली ले सकें. जी, पहले पहले तो सबसे बड़ा ये है. उसके अलावा अगर ये एक मौका है, आप घर में इकट्ठे हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले तो ये एक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नो योर सेल्फ मोर. हम डेली दौड़ भाग में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं रोज़मर्रा के कामों में कि हमें अपने इंटरेस्ट भूल जाते हैं, हम हैं कौन, इनिशियली हम क्या चाहते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, घर में पूरी ज़िंदगी पॉज हो गई है, लोगों की लाइफ पॉज हो गई है, तो आप ये जानने की कोशिश करें कि आपकी क्या हॉबीज़ आपको पसंद हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको नापसंद हैं. और सेल्फ डिस्कवरी जिसे कहते हैं, पॉइंट से मैं ये भी रिलेट कर सकता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं था, मतलब इतना टाइम नहीं गुजरा उस वक्त के अंदर जब लोग एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में रहते भी थे जब आपके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मौजूद नहीं थी, जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और आप एक दूसरे से ही जो था वो एनर्जी भी लेते थे और इसके अलावा
आप अपनी जो भी एक्टिविटीज थी उनको जारी रखते थे, जैसे कम्युनिटी एक है ना, एक कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक वापस आ रहा है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख रही थी जिसमें वो खिड़कियों से लोग आपस में बातचीत कर रहे थे यूरोप के कुछ कंट्रीज में, मैं देख रही थी सिटीज में, और खेल भी रहे थे और एक एक्सरसाइज भी कर रहे थे मिलकर अपनी अपनी बैल्कनीज में। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चांस कि आप वो कम्युनिटी बिल्ड करें अपने छोटे सर्कल पे, अगर आप बाहर नहीं दूर रहते हुए, अपनी खिड़कियों से। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि लोग जिसको हंसते भी हैं लेकिन वो बड़ा सीरियस है, कि आप अपने घर को साफ करें। अब जो भी एक काफ़ी रिसर्चेज हुई है कि जिन लोगों का घर साफ होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उनका मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। बल्कि आपको कितना अच्छा फील होगा कि इस सिचुएशन में जब हर कोई कह रहा है कि सफाई होनी चाहिए और आप अपने घर को जब चमका क्लटर फ्री करें, उसके बॉक्सेस में चीज़ें डालें, एक्स्ट्रा डालें, बाकी चीज़ें बाहर निकालें, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम, ग्रेट चांस कि आप घर में अपने घर को डी क्लटर, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी मुहिम भी चलती रहती है वेस्टर्न उसमें के डी क्लटर योर हाउस, वो कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना दिन का रूटीन बनाएं। जो लोग इनको एक छुट्टियों के तौर पे गिन रहे हैं और देर तक सो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे उनके लिए बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा उनको सबको मशवरा है एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर कि आप अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन बनाएं, सुबह टाइम पे उठें। ये मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ और सबको कि रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ and it can increase the feeling of anxiety and depression and fear. aur sara time computer ya television ke aage na baithe rahe, aap apni jo activities hain apna koi activity dhoonde apne liye. yahi main agla kehne lagi thi ki it's very difficult in this time to limit your screen time, because har waqt dil karta hai nayi news aa rahi hain, but agar possible hai to thoda khabron se दूर रहें। एक बार अगर ब्रेकिंग न्यूज़ सुन ली है तो दोबारा 10 मिनट के बाद सुनने की ज़रूरत नहीं है उसको। कोई और प्रोग्राम्स देखें, इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स देखें, हमारा जैसा प्रोग्राम चल रहा है ये देखें, बिल्कुल ये ज़रूर आप हाँ देखें। इस तरह के जो इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स हैं ये देखें, अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक सोर्स से लें। ये जो हर कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, कुछ बिल्कुल ठीक भी है, बट सब हर तरफ से इन्फॉर्मेशन लेके परेशान ना हो, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और आई थिंक आप ज़रूर इस पर थोड़ा और जो है वो एलैबोरेट करें कि जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे जो भी खबरें आ रही हैं और इस पर यकीन करते जा रहे हैं, ब्लाइंडली यकीन करते जा रहे हैं, उससे उनकी हेल्थ पे कितना ज़्यादा नुकसान होगा। और आपको क्या ज़रूरी है कि आप सारा टाइम स्क्रॉल करते रहें अपनी स्क्रीन पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कंज्यूम? बल्कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू रिड्यूस योर सोशल मीडिया एंड टू इंक्रीज़ योर वन ऑन वन कम्युनिकेशन। अगर दोस्तों से बात करनी है तो मेरा एक अक्सर मशवरा होता है कि आप कॉल्स करें, वीडियो कॉल करें, कॉल करें, टेक्स्ट ना करें। और ये ट्रेंड हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ दुनिया के अंदर अभी ये उन्होंने भी स्टार्ट कर लिया है। और इसी नोट पे हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं उन पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस। Alright, welcome back after the break. हम डिस्कशन कर रहे हैं ताहिरा मलिक साहिबा से। मैम मुझे ये भी बताइए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये एक मूवमेंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़रूरी है लोगों का करना, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी लोगों के दिमाग में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आप अपने घर से बाहर निकल ही नहीं सकते और आपको बिल्कुल ही अपने आप को बंद करके रख देना अपने घर के अंदर। तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अगर आप अपने आपको बिल्कुल बंद करके रख देंगे तो एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट नहीं होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स। और ये तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता सरोश अल्लाह खैर करे सब चीज़ें बेहतर हो जाती है, उसके बाद इफेक्ट्स आएंगे और ये बहुत मास लेवल पे पूरी दुनिया में आएंगे। तो जहाँ तक हमारे मुल्क की गाइडलाइंस हैं, जो मैं जितना देख रही हूँ, हम फुल क्वारंटीन में अभी फ़िलहाल नहीं गए और सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है हमें। अब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब मेरे ख्याल में जो ये है वो ये है कि आप मास गैदरिंग में ना जाएं, बल्कि CDC ने भी यही एक उनका दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पे गुजारें, लेकिन बिल्कुल ही अपने आप को बनना। और अगर आप मिल भी रहे हैं लोगों से तो 6 से 7 फुट का फासला रखें, हाथ ना मिलाएं, फिजिकल टच ना हो, और हाँ अगर कोई बीमार है तो उनसे दूर रहें या वो मास्क पहन लें। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे यहाँ वो कुछ एक्सट्रीम पे चले गए हैं जिसकी वजह से मेंटल इश्यूज सामने साइकोलॉजिकल आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। लोगों से मिलना जुलना, अपने फैमिली वालों से जिनको वो जानते हैं क्लोज, उनसे भी मिलना जुलना छोड़ दिया है, तो ये ना करें। और अगर फिर भी आप ये सब नहीं करना चाहते तो बाहर ज़रूर निकलें। आई थिंक जो सनलाइट है और जो हवा है ताज़ा, वो हमारे दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने छत पे निकल सकते हैं, अपनी बालकनी में बिल्कुल निकल सकते हैं, पार्क में निकल सकते हैं। अगर आपको लोगों का डर है तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम निकल जाए, लेकिन निकलें ज़रूर, क्योंकि सेरोटोनिन जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, जो हार्मोन हमें खुशी देते हैं, वो बनता है सनलाइट में, वो बनता है एक्सरसाइज से, जब आप भागते हैं, जब आप एरोबिक्स करते हैं, तेज़ भागते हैं। तो आउटडोर ज़रूर जाइए, नेचर के साथ टाइम ज़रूर गुजारिए,
चाहे वो 15 मिनट के लिए बाहर वॉक करें, बच्चों को ज़रूर ले जाएं, जो लोग अगर देख रहे हैं, जो फैमिलीज़ हैं, बहुत ज़रूरी है कि बच्चे भी बाहर निकलें और सब घर में बंद ना रहें। और इसी से एक और क्वेश्चन रिलेटेड जो है वो मेरा ये कि फैमिलीज़ जो है वो आपस में कैसे एक दूसरे का ख्याल रख सकती हैं इस वक्त के ऊपर, और स्पेशली किस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती हैं। मेरे दिमाग में इस वक्त पता नहीं क्यों जो गेम्स होती हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली होगी या लूडो होगी पुरानी, तो आप ये खेल के अपने आप को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो एक जो क्लू, सबसे बड़ा जो एक वो राज है अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फैमिलीज में, वो है रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज, राइट। और वो सबसे पहले मैं लोगों को कहती हूँ कि अब तो बहुत सभी इकट्ठे हैं और सुबह से शाम इकट्ठे हैं, तो पहले हमारा एक होता था ना कि हम सुबह खुदा हाफिज़ किया और शाम को मिले, तो उससे एक बड़ा एक बैलेंस रहता था फैमिलीज़ में। अब मैं देख रही हूँ कि कुछ मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही फैमिली ना पूरा दिन घर में, वो मेरा ख्याल इसलिए है, हालांकि इट्स अ ग्रेट टाइम टू बॉन्ड विद योर फैमिली, बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज, राइट, कि किसका क्या टाइम है, अब उसने क्या करना है, हर वक्त वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें, उसके बाद आ जाती हैं एक्टिविटीज़। हाँ जी, तो उसमें यही बात है कि जो घर के बड़े हैं उन पर जिम्मेदारी है कि वो इसके बारे में बात करते रहें डेली, कोरोना वायरस के बारे में और क्या होने जा रहा है, क्या होगा उसको, जैसे हमने पहले भी बात की कि अंडर द कारपेट ना करें। इसके अलावा बोर्ड गेम्स हैं वो खेलें, जर्नलिंग, एक मैं उससे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में कहना चाह रही थी कि जर्नलिंग जो एक है ना, लिखना, डायरी लिखना जैसे हम कहते हैं, वो ऐसे टाइम्स में बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल सपोर्ट दे सकता है। तो अगर आप फैमिली में इकट्ठे हैं या बैठे हुए हैं या अलग अलग भी हैं, तो जर्नलिंग ज़रूर करें, अपनी फीलिंग्स लिखें। इसके अलावा फैमिलीज़ इकट्ठे, मेरा ख्याल है कुकिंग बड़ी अच्छी हेल्थी एक्टिविटी है, अगेन कुकिंग हैज़ बिन प्रूवन टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। तो अगर आपको खाना बनाना, ऑल सच एक्टिविटीज़ जो कि आपको नया स्किल भी सिखा सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग नहीं आती तो आप कुकिंग करना सीख सकते हैं, अगर आपको घर के काम करने नहीं आते तो आप वो सीख सकते हैं, तो ऑल दीज आर वंडरफुल थिंग्स। एक और जो सवाल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल इस तमाम सूरत हाल के अंदर फिर भी किसी इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स उसकी नहीं जा रही, तो वो कैसे इनके साथ डील कर सकता है? और क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, अगर आप बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो चीज़ों से, आपकी ज़िंदगी में और भी कोई चीज़ ना चल रही हो, तो आप यकीनन एक डार्क जगह पर जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप किन चीज़ों के बारे में सोचें और कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालें? सरोज, उसमें सबसे पहले सेल्फ केयर है, जो मैं फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर की बात कर रही हूँ, कि अगर आप घर में अकेले हैं तो मेरा ख्याल है इट्स अ ग्रेट टाइम टू फोकस ऑन योर फिज़िकल हेल्थ। आप अच्छा खाना खाएं, अच्छे फूड्स खाएं, ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो कि आपके मूड को, हैप्पी हार्मोन जिसे हम कहते हैं, सेरोटोनिन डोपामाइन वगैरह को ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें फ़िश है, सामन फ़िश है, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, अगर आप अभी बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार तो खुले हैं, हर किसी को ओमेगा 3 एंड 6 सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने चाहिए। अभी से स्टॉक कर लें, अभी से स्टॉक शॉर्टेज ना, ज़्यादा ना करें, हाँ 2 महीने का स्टॉक कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो फिश ऑयल जैसे कहते हैं ना सप्लीमेंट, ये बहुत हेल्प करता है आपकी मेंटल हेल्थ को वो रखने में। इसके अलावा जो आमंड्स हैं, नट्स वगैरह हैं, तो मतलब कहने का मतलब है कि फूड पे अपनी फोकस करें आप अगर आप अकेले हैं तो। और इसके साथ छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते रहें, नेक्स्ट ईयर बहुत सारे, आप जिस तरह हम डिस्कस भी कर रहे थे से पहले आप बताई थी कि बहुत सारे होम बेस्ड एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी अब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोचिंग की जा रही है। इस्लामाबाद के जिम्स, जो बड़े शहरों के जिम्स हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, वो अपनी पहले जो क्लासेस होती थी ग्रुप क्लासेस, अब वो ऑनलाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने बस लैपटॉप ऑन किया और द ट्रेनर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये करें, फूड अच्छी खाएं, कैफीन कम लें, स्पेशली अगर आपको पहले कैफीन का बहुत शौक था तो कैफीन कम कर दें। कैफीन कैन गिव यू अ टेम्पररी बूस्ट, बट इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट वेरी गुड। बूस्ट के साथ आप कितना कुछ कर लेंगे, कितना जब कुछ आप घर में ही रहे जी, तो कैफीन को जरा कम कर लें। वीडियो कॉल्स करें, मेरा ख्याल है वीडियो कॉल एक ग्रेट वो है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, अगर आप अकेले भी हैं तो वीडियो कॉल दें, और अगर कोई आपसे बात करने के लिए नहीं है तो आप मूवीज देख लें, मूवीज देखें, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करें, रीडिंग करें। पाकिस्तान एज अ नेशन, हम अक्सर वी ऑफन लेमेंट कि हमें रीडिंग की आदत नहीं है, तो ये तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चांस। आप बुक स्टोर जाइए आज ही और बुक्स पर ज़रूर स्टॉक कर लीजिए, बुक्स का स्टॉकअप करना परमिशन है उसकी, बुक्स जमा कीजिए, पढ़िए। उसकी शॉर्टेज पैदा होगी क्योंकि इतनी बुक्स दुनिया में अवेलेबल हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है जर्नलिंग, जैसे मैंने पहले बताया, वो बहुत है। आर्ट का मैं अक्सर हैरान हो जाती हूँ अपने क्लाइंट्स में, जिनको पता ही नहीं होता कि वो अंदर से आर्टिस्ट थे, राइट। और हम उनको ये कहते हैं बस आपने घर एक जाके कैनवस खरीदना है और ब्रशेस लेने और पेंट्स लेने हैं, एंड दे आर सरप्राइज्ड व्हेन दे कम फॉर द नेक्स्ट सेशन, कि हमें तो पता ही नहीं था कि इट्स सो थेरेप्यूटिक। हाँ, क्रिएटिव आर्ट्स इज अ ग्रेट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी इफ यू आर अलोन। That's wonderful. And finally, मैं जानना चाहता हूँ आपका message क्या है to the viewers who are watching you right now. Finally, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं इस tough time पे जब पूरी दुनिया इस pandemic से गुजर रही है और कितना नुकसान हो रहा है, चाहे वो हलाकतों की सूरत हाल में हो या वैसे जो अब माली नुकसान होगा लोगों को, कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं लोग?
मेरा फाइनल मैसेज ये है कि यू नीड टू फर्स्ट फील द फीलिंग एंड देन रिलैक्स. यू डोंट हैव टू बी प्रोडक्टिव टू बी वर्थी. बहुत सारे लोग इसलिए कम फील कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रोडक्टिव. वो दुनिया की तकलीफ कम नहीं कर पा रहे. आई थिंक हम में सब में आप में और मुझ में एक फीलिंग ये है कि वट कैन आई डू फॉर द वर्ल्ड. बट फॉर द सेक ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ इट्स अ ग्रेट ग्रेट थाट. इट्स अ लॉफ्टी थाट. वट कैन आई डू फॉर द वर्ल्ड एंड यू शुड डू योर बिट. बट इन द एंड देर आर लिमिट्स एंड यू डोंट हैव टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम टू बी वर्थी. Just relax, take deep breaths, take good care of yourself, and I think it's a great time to pause and reflect on yourself. I think that's the point that we all want to hear, because the frustration logon ke andar zyada badi hai wo isi point pe hai ki unhe kuch karne ke liye nahi mil raha. So this is the time when you can just relax, calm down and reflect back on your life. Aur wo cheeze jo ki aapki zindagi mein kharab ho rahi thi, aapko ye waqt mila hai aap unke bare mein sochein aur unko theek karne ki koshish karein, ya iske alawa engage kare apne aap ko aisi activities ke andar jo aapko help kare in the long run. Thank you so much for talking to us, ma'am. You're I think welcome. It was very Thank helpful you. अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें सिटी ट्यूब के डिफरेंट पेजेस पे जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था हमें भेज सकते हैं. अगली दफ़ा तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. स्टे ट्यून टू कोरोना अपडेट्स. बी योर ओन शील्ड, बी योर ओन हीरो. अल्लाह हाफिज़.